डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो डिवाइडेड है फोर सेक्शंस में। क्वेश्चन इसमें साथ साथ ही आएंगे, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो साथ में ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमने वो बायर सेवर्स लॉ को यूज़ करके ना मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। एक तो निकाला था सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, एक निकाला था फिर एक्सियल पॉइंट पे, दो जगह फील्ड निकाला था। उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय टू आर। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे इंटू एन कर देना। एक्सियल वाला जरा ध्यान से लर्न करने वाला है। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो अगर जैसे इसमें करंट है इधर को, समझाया बेटा, करंट ऐसे है, ये वाला पार्ट बाहर की साइड है हमारी साइड, ये पीछे है, तो करंट पीछे से आगे को आ रहा है ऐसे। तो करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड को रहेगा, फिंगर से करंट, थंब से मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट जो है वो सर्कल में है। अगर करंट स्ट्रेट लाइन में होगा तो थंब से करंट रहता है और फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग पॉइंट करती हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह इधर को ही होगा। ये मत सोचना कि इधर का ऐसे बन जाएगा, सभी जगह इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पीछे भी प्लस है। जो डिस्टेंस है एक्स वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, फील्ड अभी पॉजिटिव है जब तक करंट ऐसे चलेगा। करंट को रिवर्स कर देंगे इधर को, फिर हर जगह फील्ड आपको माइनस मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इससे उतना फील्ड कम होता रहता है, सेंटर में आएगा मैक्सिमम। तो किसी भी पॉइंट पी पे एक्सियल पॉइंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट, वैसे आई अपॉन टू आर था ना, इसमें बेटा रेडियस का स्क्वायर भी आएगा, नीचे फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस डिस्टेंस का क्यूब होता है। बट डिस्टेंस पे रूट लगाना पड़ता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, उसका क्यूब करेंगे, रूट भी है क्यूब भी है, तो पावर 3/2 हो जाएगी। इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होंगे इंटू एन कर देना। ये ग्राफ बना हुआ है, मैंने बोला आपको एक्स चाहे पॉजिटिव हो जो पॉइंट पी का पोजिशन है, चाहे वो नेगेटिव में हो, फील्ड का डायरेक्शन हर जगह इधर को ही है, तो फील्ड हर जगह प्लस 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 आ रहा है। करंट उल्टा कर देंगे ये सारा ग्राफ नीचे को आएगा, मेरे का पॉइंट ये। और अगर आप पहुंच गए सेंटर पे तो एक्स को जीरो पुट कर देना, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय टू आर, अगर टर्न ज्यादा है तो इंटू एन। अगर कभी सर्कल मान लो पूरा नहीं है, कंप्लीट रिंग ना होके ज्यादा टर्न्स है तो इंटू एन करते हो, अगर एक भी टर्न पूरा नहीं है फिर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। मान लो एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसके इसमें बेटा आधा कर देना इसको, फिर 1/4 है तो कितना करोगे, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर वो जो सर्कुलर पार्ट है वो 45 का एंगल बनाए, 45 डिग्री 360 का कितना फ्रैक्शन है, 1/8, तो 1/8 लगा दे रहे इसके आगे, एंड सो ऑन। ज्यादा रिंग्स हैं तो इंटू एन कर दो, ज्यादा टर्न्स हैं, और अगर एक टर्न भी पूरा नहीं है तो फ्रैक्शन लगाओ साथ में। ये क्लियर हो गया सर आपको? तो एक क्वेश्चन जो है ये यूजली आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया रहता है, एक वायर है जिसका लेंथ है एल, यहाँ पे दो वायर्स दे दी आइडेंटिकल, दोनों का लेंथ लेंथ सेम है, एक को एक सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर लूप मतलब एक टर्न दे दिया, दूसरी लेंथ भी उतनी है लेकिन उसके ये दे दिए एन टर्न्स, एक कॉइल बना दिया उसका। तो जो लूप है सिंगल और जो कॉइल है एन टर्न्स का, उनका मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? तो बेटा अभी आपने देखा बी ड्यू टू सिंगल टर्न हो तो म्यू नॉट आई बाय टू आर, एन टर्न्स हो तो इंटू एन करेंगे। बट जब उसी लेंथ के
आप n टर्न्स करोगे तो रेडियस को क्या होगा, ठीक है, r बाय n हो जाएगी। यहाँ पे n आ जाएगा इनटू नीचे रेडियस में r बाय n आना है ना, तो जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें n स्क्वायर आएगा। आपको जो लूप है वो ऊपर लिखना है, कॉइल नीचे लिखनी है, तो लूप बाय कॉइल, यहाँ पे c डालना था, b ऑफ लूप बाय b ऑफ कॉइल, तो म्यू नॉट आई बाय टू आर। क्वाइल में एन आएगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए और रेडियस में आएगा आर बाय एन, तो ये वाला एन जब ऊपर जाएगा बाकी सारा कुछ कैंसिल। एन ये यहां जाना है, ध्यान रखना, इसके नीचे डिनोमिनेटर में फिर से नीचे एन है, ये एन यहां आएगा, तो एन स्क्वायर आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में, वन बाय एन स्क्वायर आंसर। सो इजी क्वेश्चन। चलिए अब अगर एक वायर हो इनफाइनाइट, पहले उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकलता था यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो जब तो आप वायर के बाहर रहते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल लिया करते थे मैग्नेटिक फील्ड का, वो आता था बी डॉट डीएल करके क्लोज पाथ, तो वो बी इंटू टू पाई आर आएगा, तो B डॉट dl dl करते जाएंगे वो B बाहर आ जाता है, तो l l l ऐड करके 2 पाई r, B इंटू टू पाई r, फिर लिखते थे म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। तो बाहर वाला लूप जो है उसमें तो सारे करंट जा रहे हैं पूरी वायर का, तो सीधा म्यू नॉट इंटू i वो सॉल्व करके आ जाता था, फिर म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, है ना। लेकिन अगर आप सोचते हैं हम वायर के अंदर निकालेंगे यहाँ पे, फिर आपको सिर्फ इतना करंट लेना होता है, इतना करंट लेंगे तो फिर लिखेंगे उस तरफ म्यू नॉट आई, सारे का करंट है जो कि एरिया पाई आर स्क्वायर में फ्लो हो रहा है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में, आई बाय पाई आर स्क्वायर इनटू अंदर अंदर वाला एरिया, क्योंकि हमें तो इतना ही करंट चाहिए बस, इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर करोगे तो बेटा उसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, ये तो आ गया अगर बाहर निकाल रहे, वो जो ऊपर आप पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखोगे इधर भी टू पाई आर आता है एक ना, तो एक आर कैंसिल होगा, आर से उधर आर स्क्वायर था पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा फील्ड जो है अंदर की तरफ वो आर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो विद सिंगल पावर तो ग्राफ कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन, तो अंदर अंदर वाला ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, बाहर आ जाएंगे फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, फिर कर्व होगा। क्लियर होगा ये पॉइंट भी। अब स्ट्रेट वायर पे क्वेश्चन है एक, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट इंसुलेटेड वायर्स आर केप्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन एज शोन। क्वेश्चन है पॉइंट पी पे जो कि दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, वहां पे फील्ड क्या होगा, करंट दोनों सेम है, तो पहले तो फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, करंट ऐसे गया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, अंदर को होगा, इसका करंट बेटा ऐसे है, करंट इधर को है तो फील्ड किधर को होगा, तो दोनों फील्ड अपोजिट हैं डायरेक्शन में, दोनों करंट भी सेम है, दोनों डिस्टेंस भी सेम है, तो बेटा करंट भी सेम हो गया, डिस्टेंस भी सेम हो गया, मीडियम भी वैक्यूम है, तो ये दोनों फील्ड बेटा सेम नहीं हो गए, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, इक्वल इन साइज अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर आएगा, कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं है फालतू, समझ आ गया। चलिए बाकी एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी के फील्ड यहां ना निकाल के यहां निकालो, इधर आगे आ जाओ, इससे यहां पे निकालना है, अगर यहां पे इस वाले करंट का फील्ड होगा नहीं, आप किधर से देखें, राइट हैंड साइड को, इस वाली वायर का करंट ऐसे, फील्ड इधर, ठीक, और यहीं पे जो करंट ऐसे गया उसका फील्ड होगा नीचे की ओर, एक नीचे एक राइट, बेटा कितना एंगल बना दोनों में, 90 डिग्री, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन, फिर जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ध्यान रखना दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, इस प्लेन से ना जिसमें ये दोनों वायर्स लाई कर रही हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे अगर ऐसे,
ठीक है, उसको प्लेन को राइट एंगल पे आना है आपको, फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स राइट एंगल पे होते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करने हैं, ठीक है। उस केस में अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर एक फील्ड जो हो गया ये वाला करंट ऐसे, वो हो गया एक्स के लॉन्ग, और एक जो ऐसे वाला करंट है उसका फील्ड हो गया नेगेटिव वाई के लॉन्ग। तो फिर एक्स के वाई के पर आ सकते हैं। सो क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली देख लेना कौन से वाला पूछा गया है। अब सर्कल प्लस स्ट्रेट, पहले करंट गया बेटा ऐसे, स्ट्रेट पार्ट का फील्ड किधर होगा, करंट ऐसे फील्ड होगा बाहर को, सर्कुलर पार्ट का फील्ड होगा बेटा अंदर को, तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट यानी माइनस होंगे, लेकिन सर्कल का फील्ड ज्यादा आएगा क्योंकि ना स्ट्रेट में ना नीचे पाई आता है, पाई की वैल्यू वन से बड़ी होती है, पाई वन से बड़ा है दैट मीन्स ये वाली वैल्यू इसमें, इसमें सिर्फ पाई का तो फर्क है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, बात समझ में आ गई बेटा। तो बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करो, यानी म्यू नॉट आई बाय टू आर में से म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर माइनस कर लो। दूसरा सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि वायर ऐसे गई और यूं घूम के बेटा ऐसे आ गई, अब स्ट्रेट पार्ट का फील्ड आउट, सर्कुलर पार्ट का फील्ड वो भी आउट, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, प्लस हो जाएंगे, सेम चीज प्लस करना है, बड़ा समझ आ गया। और देखो जी ये रिंग का कितना पार्ट है, 3/4, तो म्यू नॉट आई बाय टू आर इंटू 3/4, इसका फील्ड है बेटा देखो जरा करंट ऐसे, फील्ड अंदर को, इस पार्ट का फील्ड बाहर को, इसका नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, इन लाइन, अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट करंट कैरिंग वायर के साथ इन लाइन है तो उसका छोड़ना है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे जो फील्ड है ना जिसको हम म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर लिखते थे पूरी स्ट्रेट वायर का, अब क्या हुआ स्ट्रेट वायर का ना आधा हिस्सा तो है अपने पास, इधर का आधा गायब है, तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर का हाफ करो यानी बाय 4 पाई आर। अब क्योंकि फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सर्कुलर पार्ट का अंदर इसका है नहीं, इसका फील्ड है बाहर की ओर, तो ये माइनस होंगे, तो सर्कल वाले फील्ड का बेटा 3/4 कर लो और स्ट्रेट वाले पार्ट के फील्ड का हाफ करो, क्लियर हो गया। तो ऐसे और सिचुएशन हो सकती हैं, आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। एक ये क्वेश्चन हमने बोर्ड एग्जाम में वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, दो रिंग हो सकता है राइट एंगल पे प्लेस किए गए हो कंसेंट्रिक, तो एक का फील्ड ऊपर हो गया, एक का राइट को हो गया, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, तो म्यू नॉट आई वन बाय टू आर एक का एंड आई टू बाय टू आर दूसरे का, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करेंगे, म्यू नॉट कॉमन निकल आएगा, टू आर कॉमन निकल आएगा, और अंदर करंट करंट का स्क्वायर प्लस कर दो। ये सिचुएशन है, ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या है 360 माइनस थीटा, तो फ्रैक्शन निकालना है, 360 माइनस थीटा रिंग प्रेजेंट है और टोटल 360 होना चाहिए था, तो 360 माइनस थीटा बाय 360 रेडियन में लिखना है, तो 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई कर लो इनटू जो भी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एंगल जो अवेलेबल है वो ऊपर, टोटल एंगल नीचे, उससे फ्रैक्शन निकल आएगा इनटू रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। एक ये वाला सिचुएशन कभी कभी आता रहता है, एंगल कम ज्यादा हो सकता है, कभी 180 कभी 45 कभी 60 डिग्री, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, दो करंट जा रहा है आई, और अंदर वाले का रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2, तो बेटा इस पॉइंट के साथ ये दो तो हो गए इनलाइन, स्ट्रेट पार्ट छोड़ देने हैं वो, अब बचे सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर का फील्ड जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4R, एक का फील्ड इसका अंदर को
इसका फील्ड बाहर को, तो दोनों माइनस करने पड़ेंगे, दोनों माइनस करेंगे तो हाफ ऑफ रिंग, हाफ ऑफ रिंग दोनों को माइनस कर दो, बाकी जो भी बनेगा वो आप मैनेज कर पाएंगे आगे अपने आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो इस साल का क्वेश्चन है 2019 का, अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स ज्वाइंड बाय टू रेडियल लाइंस। पहले वाला हमारा बड़ा सेमी सर्कल था ना, सेमी सर्कल नहीं है, 45 का एंगल है, रेडियस भी दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर इसका है और बाहर वाले का बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो 45 का एंगल है, 45 का एंगल मतलब 1/8 करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, देखो कौन सा आंसर आता है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, बंद करो जी। तो 45 डिग्री इज 1/8 ऑफ 360 डिग्री, तो सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r का 1/8, बट दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसका फील्ड आएगा बेटा बाहर को और इसका फील्ड आएगा अंदर को, बट इसका रेडियस छोटा है, रेडियस कम है तो उसका फील्ड आएगा बड़ा, तो बड़े वाला पहला लिख लो माइनस छोटे वाला, म्यू नॉट आई कॉमन, 2 कॉमन, 1/r बच जाएंगे अंदर, बट रेडियस को मीटर में चेंज करना है, तो 3/100 3 सेंटीमीटर था, बाहर वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर 5/100 उल्टा लिखना, लेकिन 100 100 कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/5 जो कि एलसीएम लेके 2/15 आएगा, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, सो इसको एंड में जाके आपका 15 × 2 = 30 बचेगा, 3.14 को रफली 3 मान लो, और इधर 30 लिखा हुआ है 3/30 यानी 1/10, तो 10⁻⁴/10 आपका आंसर आएगा, 10⁻⁵। इसके बाद बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड थे, सोलेनोइड स्ट्रेट और एक टॉरॉइड वाला था, वो भी एम्पियर सर्किटल लॉ से मैनेज किया था हमने, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईच वॉज इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उधर भी था म्यू नॉट एन आई, अगर अंदर कोर भी हुआ तो फिर उसका म्यू डाल देना, जो भी आयरन का पीस जो भी डालोगे अंदर, या फिर म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी करना होता है। चलिए इसमें ध्यान रखना, इसका फील्ड तो बाहर आता है लेकिन नो डाउट अंदर सबसे ज्यादा होगा और उसी का फॉर्मूला है ये, इसका फील्ड जो है वो भी टॉरेंस के अंदर अंदर ही ट्रैप्ड रहता है, यहां पे कोई फील्ड नहीं आएगा, उधर बाहर भी कोई फील्ड नहीं होगा, यहां भी जीरो यहां भी जीरो, अंदर अंदर फील्ड लाइंस होती है इसके, बस उसी का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, अंदर आयरन का पीस डाल दोगे तो आयरन का म्यू लगा दो साथ में, म्यू इंटू एन आई, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब कभी कभी हो सकता है कि वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ की हो, हमने जो लिखा ना म्यू नॉट आई बाय 2πr, उसमें ये अज्यूम किया हुआ है कि वायर का लेंथ इनफाइनाइट है, वेरी लॉन्ग वायर, अगर वायर का लेंथ फाइनाइट होगा उस केस में, जैसे ये है अब करंट जा रहा है ऊपर को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, करंट ऊपर को जा रहा है तो यहां पे फील्ड होगा बाहर को और यहां पे वही फील्ड आएगा अंदर को, अंदर को मतलब क्रॉस, ठीक है ना। तो अगर वायर यहीं तक है, मान लो इधर यहां तक है, और ये जो दो एंगल्स हैं ये फाई वन एंड फाई टू बनते हैं, फिर फॉर्मूला जो है फाइनाइट लेंथ का है म्यू नॉट आई बाय 4πr, 4πr मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेना है और इसका भी लेना है, इसका कंट्रीब्यूशन एंगल फाई वन तक है साइन फाई वन, प्लस अपर पार्ट जो है वो फाई टू एंगल तक गया साइन फाई टू। हाँ अगर ये वायर इनफाइनाइट होती, मान लो ये बहुत दूर तक चली जाती, तो बेटा एंगल फाई टू क्या बनता, 90 साइन 91 होता है, नीचे को भी इनफाइनाइट होती उधर भी 90 साइन 90 साइन 90, ठीक है वो टू इधर कट के बेटा फिर से 2πr आ जाएगा। तो ये है फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला,
तो अगर हम इसी कंडीशन को एक ट्रायंगुलर लूप में लगाएं, ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप विद साइड इक्वल टू ए, तो बेटा ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल था 60, क्योंकि हमें फील्ड यहां पे निकालना है सेंट्रोइड पे, तो यहां का डिस्टेंस मुझे एक साइड से पहले पता करना पड़ेगा। ये एंगल हो गया 30, टोटल 60 था, हाफ करेंगे 30, और जो बेस है अपना वो a बाय टू है। बेस को डिवाइड करना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो होता है टी रेशो कॉस, तो कॉस 30 से मुझे डिवाइड करना है a बाय टू को, a बाय टू डिवाइड बाय कॉस 30 यानी डिवाइड बाय रूट 3 बाय टू, वो जो बाय टू ऊपर जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये चीज बन जाएगी a बाय रूट 3। अब आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन व्हाट रेशो, 2:1, तो दो रेशो इधर है, ये पूरा मीडियन है, दो रेशो यहाँ पे है, एक इधर आएगा, तो ये दो रेशो है, ये एक है, तो ये हाफ होगा ना, इसी का हाफ कर दो तो भी निकल आएगा, अदरवाइज लगाओ साइन ऑफ 30, उससे भी निकल आएगा। तो एक वायर का फील्ड डिस्टेंस आर पे निकालना है, आर की जगह ए बाय टू रूट 3, एंगल्स 5-1, 5-2 उसी पॉइंट पे देखने हैं जहां फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे एंगल 5-1, 5-2 क्या बने बेटा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या है 60. तो 60, जो आपने ये साइन लिखे ये दोनों साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 आएंगे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर की जगह ए बाय, ये ऊपर जाएगा, और साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 60 आएगा। लेकिन इस तरह के अपने पास तीन वायर्स हैं, इसका करंट इधर को फील्ड बाहर, करंट ऐसे फिर फील्ड बाहर, करंट ऐसे फिर फील्ड बाहर, तीनों फील्ड हमने ऐड करने हैं, एक ही जैसे हैं, तो इनटू 3 कर दो, राइट, साइन 60 रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 ऐड किया, रूट 3 का आधा दो बार ऐड करना है, तो रूट 3 बन गया वो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 2 इंटू 3 18, तो 18 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक स्क्वायर होता बेटा विद साइड ए, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हुआ ए बाय टू, तो हम आर की जगह ए बाय टू पुट करेंगे। इस बार ये एंगल कितना है टोटल 90, हाफ किया 45, तो साइन 45 साइन 45, इस बार यहां पे 3 टाइम्स किया, यहां पे 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर यानी ए बाय टू, फिर साइन 45 साइन 45, साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो दो बार ऐड किया उसको तो रूट 2, तो ये आ गया बेटा 4 × 2 = 8 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, आंसर ठीक है, क्लियर हो गया नहीं, 4 × 2 = 8, एक रूट 2 यहां से आया हुआ है, सही है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल पहले लूप पे आया हुआ, क्या आंसर था अभी अभी 18 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, तो वीडियो को पॉज करके चेक करो फिर कौन सा आंसर आता है। तो अगर आपका आंसर 18 माइक्रो टेस्ला आ रहा है तो सही आंसर है, बट जरा कंफ्यूज मत होना, ये वाला म्यू और ये वाला म्यू अलग अलग है, ये परमिबिलिटी है, ये माइक्रो टेस्ला है, तो अगर आपका आंसर में 10^-6 आ रहा है तो फिर उसको माइक्रो बना दो, वो भी ठीक है, क्लियर हो गया सारा ही।